नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप का रूफटॉप गार्डन दोस्त एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी तो सितंबर का महीना चल रहा है और अभी देखिए मेरे गार्डन में ग्रेप्स भी लग चुका है। तो अभी तो ग्रेप्स लगने का सीज़न शुरू हो चुका है, तो मेरे प्लांट जैसे कि आप लोग जानते हो एक छोटे से बाल्टी के अंदर लगा हुआ है और ये 2 साल का प्लांट है और पिछले साल भी मेरे प्लांट पे 1 या 2 अंगूर लगा था, तो इस साल मेरे प्लांट पे बहुत सारे अंगूर लगा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ जस्ट शेयर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अंगूर लगा हुआ है, ये देखिए। और ये प्लांट देखिए मैं एक शेड के ऊपर चढ़ा दिया हूँ। प्लांट बहुत ही लंबा हो चुका है अभी, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे अंगूर लग रहा है, ये देखिए छोटे छोटे से। और यहाँ पे आगे भी देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी बहुत सारे अंगूर लग रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा नहीं है, ज़्यादा मीठा नहीं है, तो लेकिन अगर आपके गार्डन में एक प्लांट लगा हुआ हो और उसमें फल लगे तो यही बहुत ही बड़ी बात होता है। तो मेरे गार्डन में जो अंगूर के प्लांट है इसमें ऑलमोस्ट 3 या 4 अंगूर के छड़े लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं इस प्लांट को फ़िलहाल किसी प्रकार का केयर नहीं किया हूँ बहुत दिन से। अभी इसमें थोड़ी सी खाद की ज़रूरत है क्योंकि प्लांट्स पे फल लग रहा है, फल लगने समय प्लांट पे थोड़ी सी खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा बारिश कम हो जाए उसके बाद मैं प्लांट पे थोड़ी सी मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दूँगा ताकि प्लांट्स पे जो फल आए उसका ग्रोथ अच्छा हो। और मेरे प्लांट पे अभी भी किसी प्रकार का पेस्ट का अटैक हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं अभी भी मेरे प्लांट पे किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया हूँ। दोस्तों ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और लो केयरिंग प्लांट है। जब से मैं इसको प्लांट को लगाया था उसके बाद से मैं प्लांट को ना ही गुड़ाई किया हूँ पॉटिंग मिक्स में, ना ही मैं पॉटिंग मिक्स चेंज किया हूँ और ना ही मैं पॉट चेंज किया हूँ और ना ही मैं किसी प्रकार एक्स्ट्रा खाद यूज़ किया हूँ इसमें। बस सभी प्लांट पे जब मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ मस्टर्ड केक का, वही मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ करता हूँ और हर रोज़ मैं इसको खाली वाटरिंग करते रहता हूँ। बस इसमें ज़्यादा केयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं जस्ट आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि मेरे जो गार्डन में अंगूर के प्लांट लगा हुआ है उसमें बहुत सारे अंगूर अभी लग रहा है, तो इस साल इसमें मुझे अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप भी अगर आपके गार्डन में अंगूर नहीं लगाए तो लगा सकते हो, ये एक छोटे से पॉट पे भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि मेरे देख सकते हैं आप, मैं इसको थोड़ी सी शेड के ऊपर चढ़ा दिया हूँ। तो दोस्तों देखिए बहुत सुंदर से, देखिए यहाँ पे बहुत सारे अंगूर, ये देख सकते, इधर भी है पीछे के साइड पर भी आप देख सकते हो। और इधर ये जो छड़े लगे हुए हैं इसमें बहुत सारे अंगूर है और ये तो अभी नया लगना शुरू हुआ है, ये देख सकते हैं आप। इसमें भी ये देख सकते हैं आप, इसमें भी बहुत सारे अंगूर लगने वाले हैं। इसमें अभी भी बहुत सारे अंगूर के छड़े लगने वाले हैं, अभी तो टाइम शुरू हुआ है, तो देखते हैं कितने अंगूर लगते हैं। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट्स कर सकते हो, उसका आंसर मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।